हाँ जी, 10th क्लास एंड चैप्टर सेकंड है पॉलीनोमियल। सो चैप्टर सेकंड शुरू करने तो पहला कुछ आप इंट्रोडक्शन करते हैं जो कि आप पूरे चैप्टर विच यूज करा। सो पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन आप शुरू कर लगे। देखो पॉलीनोमियल स्टार्ट करने तो पहला आप गल करते हैं अबाउट टर्म। तो टर्म अपना की हूँ, देखो टर्म की हूँ, टर्म एक पॉलीनोमियल सब तो छोटा पार्ट है, मतलब कि टर्म तो मिलकर ही अपनी पॉलीनोमियल बनती है। ओके, टर्म तो मिलकर ही अपनी पॉलीनोमियल बनती है। ठीक है, सो देखो टर्म की हूँ कि कोई भी नंबर जिदे नाल वेरिएबल लग्या हो। ओके, मीन नंबर इंटू वेरिएबल। सो इन दोनों की बन जाता है टर्म। ठीक है, जिवें एज एग्जाम्पल टू एंड एक्स। ओके, टू एंड एक्स जो नंबर की है वो एज ए काउंटेबल होता, काउंटिंग वाला नंबर होता, काउंटिंग वाला 1 2 3 अप टू डैश कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड अपने की ना वेरिएबल, एक्स वाई जेड ए बी सी समथिंग जो मर्जी। ओके, सो इन दोनों की बन जाता है एक टर्म। ओके, सो टर्म अपनी की होंगी एक अलजबरिक अलजबरिक एक्सप्रेशन विद मल्टीप्लाई एडिशन सबट्रैक्शन और डिवाइड। ओके, सो जो एग्जाम्पल आप ली हुई है ये वाली देखो। सो ये अपनी की है टर्म अलजबरिक एक्सप्रेशन विद मल्टीप्लाई। ओके, सो ये एग्जाम्पल एक और लेने 2x+3। सो ये भी एक टर्म है बट ये अलजबरिक एक्सप्रेशन की है मल्टीप्लाई एंड एडिशन दोनों नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ओके, सो टर्म बारे आप गल की है, टर्म अपना की है नंबर ते वेरिएबल तो रल के बनते हैं। ठीक है, सो ये अपनी कंडीशन से अपनी टर्म की। सो टर्म तो बाद आप गल करते हैं पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल। ओके, सो पॉलीनोमियल की अपनी के कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म टर्म्स विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ओके, पॉलीनोमियल बारे गल करें, देखो कि पॉलीनोमियल की अपनी कॉम्बीनेशन ऑफ टर्म, मतलब कॉम्बीनेशन कह लो चाहे तो एक चेन कह लो, टर्म की एक चेन होती है जिद एडिशन भी होंगे सबट्रैक्शन होंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड भी होंगे। सो एग्जाम्पल देखो आप करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल 2x² + 5x + 3 इस तरह की, सॉरी 2x³ कर लो। ओके, सो देखो ये सारी अपनी टर्म है, ये भी एक 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 टर्म है। ओके, सो देखो 2 × x³, सो इन्होंने दोनों विचारे की है, इन्हों दोनों के विचारे अपनी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन्होंने दोनों के विचारे की हो रहा है ऐड हो रहा है, इन्होंने विचारे भी ऐड हो रहा है एंड इन्होंने दोनों के विचार भी की है ऐड हो रहा है। ठीक है, सो देखो 3 आप गल की जो टर्म है वो एक नंबर एक वेरिएबल होना चाहिए बट जो एग्जाम्पल लई है वो 3 की है सिर्फ इकला ही है, 3 अपना की है सिर्फ इकला। तो 3 में भी आप एज ए टर्म लिख सकते हैं किमें 3 × x^0। ठीक है, सो x^0 मतलब की है कि किसी भी नंबर की पावर जो 0 हो आंसर की होता है 1 हो जाता है। ओके, सो ये पॉलीनोमियल की डेफिनेशन। सो पॉलीनोमियल बारे आप गल करते हैं, पॉलीनोमियल की है कि वेरिएबल पावर अपनी की है होल नंबर होनी चाहिए है, होल नंबर। ठीक है, वेरिएबल पावर इनटू होल नंबर मीनस कि एक्स कोई भी जिम्मे कि आप एग्जाम्पल वेरिएबल एक्स लिया है। ठीक है, सो एक्स की पावर की है 0 भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है बट नैगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नैगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए एंड एक रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए 1/2 3/2 समथिंग ए भी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो पॉलीनोमियल विच जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं वो पावर की होनी चाहिए होल नंबर। ओके, अदरवाइज जेकर वो पावर नैगेटिव या रैशनल नंबर हुई तो पॉलीनोमियल की है नहीं बनेगी। ओके, सो ये अपनी डेफिनेशन पॉलीनोमियल की।
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 9th ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਔਨ ਟਰਮ, ਕਿ ਟਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕੀਤੀ 2x, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਰਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਨੋਨੋਮੀਅਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ 2x+3, ਇਹ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਦੋ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥਰਡ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੋਣ, 3, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਈਨੋਮੀਅਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਹੋਵੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 3, ਓਕੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਚੇਨ ਆਫ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਚੇਨ ਆਫ ਟਰਮ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੇਨ ਆਫ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਚੇਨ ਆਫ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬੇਸਿਸ ਔਨ ਟਰਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਔਨ ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ। ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਹਾਈਸਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਹਾਈਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ ਕਾਲਡ ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ 2x² + 3x + 4। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 2 ਹੈ। ਇੱਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ x² y³ + y² x 5 & x y। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ x & y। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਟਰਮ ਆ ਪਹਿਲੀ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 & 3। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 5 ਐਂਡ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 7 ਐਂਡ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2। ਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਈਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 7 ਹੈ। ਇੱਟ ਮੀਨਸ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 7। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਰੋ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਐਂਡ ਕਿਊਬਿਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ 1 ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇਖੋ 2x + 5। ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਸਟ ਐਕਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਐਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਸੋ ਜਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? 2 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ? 2 ਹੋਵੇ। ਡਿਗਰੀ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ। ਜਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? 2 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 2x² + 4x + 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, x² + 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਸੋ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਫੋਰਮ
वो की होंगी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होंगी है, ठीक है। एंड क्यूबिक, क्यूबिक की होंगे अपना जिस पॉलीनोमियल डिग्री की है थ्री हो, डिग्री मीन हाईएस्ट पावर की हो थ्री, जिस पॉलीनोमियल विच वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की है थ्री हो की होंगी क्यूबिक। सो एग्जाम्पल देखो, जिन्हें टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, कुछ एक होर एग्जाम्पल देखो, एक्स क्यूब प्लस फाइव भी हो सकती है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव भी हो सकती है, कोई मर्जी एग्जाम्पल हो, आपू मतलब की है वो पावर थ्री होनी चाहिए। ओके, इस अपनी एग्जाम्पल ऑफ पॉलीनोमियल ते टाइप ऑफ पॉलीनोमियल बेसिस ऑन डिग्री। ओके, सो गल करते अपना जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। सो ये टॉपिक की इंपॉर्टेंट है, सो इस बेस के उपर अपना चैप्टर सैकेंड है टेंथ क्लास का, एंड इस टॉपिक में अपना नाइनथ क्लास में भी यूज किया। सो नाइनथ क्लास में अपने किया एज ए सिंपल, जिद अपना की है जो वेरिएबल की पावर की वन होंगी है, मतलब लीनियर इक्वेशन कह लो, ठीक है। सो देखो अपना एग्जाम्पल लेने हैं कि कोई अपना फंक्शन एफ एक्स है, सो एग्जाम्पल एक्स प्लस वन। ओके, सो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एफ एट माइनस वन, मीन इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है जो फंक्शन में आप माइनस वन पुट कर दिए, माइनस वन कितने पुट करना जिते एक्स है। ओके, सो देखो हम फंक्शन जिसे अपने एक्स है उत्थे माइनस वन पुट करता, ओके अपना आंसर क्या है जीरो। ओके, सो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल की मतलब कि कोई ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिमें कि आप माइनस वन यूज किया, सो माइनस वन कोई भी ऐसा नंबर जिन्हों आप फंक्शन पुट कर दिए, कोई भी ऐसा नंबर जिन्हों आप फंक्शन पुट कर दिए अपना आंसर की है जी जीरो। सो उसमें आप कहेंगे जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, मीनस माइनस वन इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स। ओके, सो ये अपनी डेफिनेशन जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। सो इन कोई जनरल फॉर्म च किए लिखा, जनरल फॉर्म च, सो जनरल फॉर्म च करने पहला इस काम में आप सॉल्व करते हैं फिर एक होर तरीके नाल कि जीरो फाइंड करने पर, फाइंड जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, सो उस विच की थी अपना जिवें एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करता, एंड आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो वन अपना की है लैफ्ट, सॉरी वन आप राइट हैंड साइड की है मूव करा, सो जेकर वन मूव करा इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। सो इस तरीके आप की है आप जीरो ऑफ पॉलीनोमियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो जो बेसिक रिजल्ट है जो एग्जाम्पल ने दोनों ये अपन नाइनथ क्लास में सॉल्व की हुई हैं, बट अपना टॉपिक की है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। सो टॉपिक में समझो ध्यान कि यह डेफिनेशन अकॉर्डिंग आप नंबर फाइंड करना है जिन्हों फंक्शन पुट करिए अपना आंसर की है जीरो आ जाए, फंक्शन मीनस पॉलीनोमियल। ओके, सो हम नाइनथ क्लास की आप लीनियर पॉलीनोमियल सॉल्व, मीन जिंद पावर वन है, एंड टेंथ क्लास सॉल्व करा आप वाली पॉलीनोमियल जिंद पावर की है टू है। ओके, कुछ इस तरह की, ठीक है। सो हम आप अगे करते हैं, सो देखो आप जो पहला एग्जाम्पल सॉल्व किए ए वाली, सो इस जनरल फॉर्म से सॉल्व करते हैं। आप देखो जनरल फॉर्म से फॉर्मूला की है कि अपनी एग्जाम्पल जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो यदि जनरल फॉर्म की ए एक्स प्लस बी, सो यदि जीरो फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ए फाइंड करना है, सो उन्हें इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, सो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी बाय ए, ठीक है। सो दिन फॉर्मूला की बने देखो, कॉन्स्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके इतने माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, सो ये फॉर्मूला क्या लीनियर इक्वेशन दी वैल्यू का, मीन लीनियर इक्वेशन ऑफ वैल्यू करो या फिर इनू जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलीनोमियल कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके, सो इस तरह ही आप गल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे। सो उसके बारे गल करने से पहले अपना लीनियर पॉली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या फिर पॉलीनोमियल
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਇਨ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 2x+3 ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਸ 9th ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ 5, ਓਕੇ, ਜੇਕਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ y3 ਆ, ਸੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ 5, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ -1, 1, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਨੰਬਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ 0, 3, 1, 5, and -1, 1, ਓਕੇ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਆਏਗਾ, ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਵਾਈ ਡੈਸ਼, ਸੋ x0 y3 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, x1 y5, x1 ਇੱਥੇ ਐਂਡ y5 ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਕੇ, x-1 and y-1, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਰੱਖ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਵਾਈ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 2x+3, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ MCQ, ਕਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ AX+B ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਓਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ -1, -1, 1, 0, 3, 1, 5, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ, 0, 3 ਅਤੇ 1, 5 ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਏ MCQ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 2x+3 ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ -1, 1, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 2, 3, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1, 0, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 0, 1, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਾਂਗੇ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਭਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਭਰੀ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਤੀ, 3 ਇਹਦੀ ਕਲੂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ +3, 1-2+3 ਐਂਡ 1 ਇਹਦੀ ਕਲੂ 1, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਓਕੇ।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रही है जिसकी पावर की है हाईएस्ट पावर अपनी की हो टू हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की है टू हो। सो इसकी जनरल फॉर्म की होंगी है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म अपनी की होंगी यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू हो, सो जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके सो ए बी एंड सी ए की अपने नंबर कोई भी जो एंड एक्स है एक अपना वेरिएबल। ओके सो उस तरह ही देखो जो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ये वाली जिमें कि ये वाली सॉल्व की, ठीक है ये आप एक्स की सिर्फ एक वैल्यू ही फाइंड हुई है। ओके सो जो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा जिमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा तो अपने को एक्स दिन हमेशा दो वैल्यू ही फाइंड होनी है डी एंड ई। ओके लैट कित कोई भी दो वैल्यू डी एंड ई। ओके सो जो दो वैल्यू अपनी फाइंड होनगियाँ इनू आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरो भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो या फिर नंबर ऑफ जीरो नहीं जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ओके मीन जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे जिमें एज एग्जाम्पल देखो आप पहले ही बहुत बार सॉल्व की है जिमें एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर। ओके देखो एक्स स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ओके सो एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर, सो स्केयर आप राइट हैंड साइड मूव करा ये हो जाएगा रूट। ओके दैन स्केयर रूट ऑफ फोर इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू, सो एक्स ने अपने को दो वैल्यू आई हैं प्लस टू एंड माइनस टू। ओके सो दोनों की है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। सो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल मतलब की इसका मीनिंग की है कि जो वैल्यू आप फाइंड की हैं जेकर इस दोनों ही फंक्शन के पॉलीनोमियल पुट करा तो अपना आंसर की हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखो किमें कि अपने को एफ की वैल्यू टू पुट कर दें, सो टू द स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर माइनस फोर जीरो। सो जेकर आप माइनस टू पुट करते हैं माइनस टू द स्केयर माइनस फोर मीन माइनस फोर माइनस फोर जीरो, क्योंकि नैगेटिव नंबर का स्केयर हमेशा क्या पॉजिटिव होंगे। ओके सो इस एग्जाम्पल अपने दोनों कंसैप्ट क्लीयर हो गए कि जेकर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करा वो की होंगे जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, एंड जेकर इन्हों आप फंक्शन के पुट कर देंगे तो अपना आंसर जीरो आ जाएगा, तो एक ही बन जाएगा नंबर ऑफ जीरो। ओके मैं जीरो ऑफ पॉलीनोम या फिर कह लो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। सो ये कुछ फॉर्मूले है जो आप टेंथ क्लास में यूज करा वेरीफाई दे वेरीफाई। सो ये पेपर के वन मार्क्स में आ सकते हैं। ओके सो देखो जिम्मे कि एग्जाम्पल कर रहे थे एक्स स्केयर माइनस फोर। ओके सो ये एक्स वाला कोएफिशिएंट की है जो इन अपनी जनरल फॉर्म के कंपेयर करिए। ओके नहीं आप एग्जाम्पल कुछ होर लें छोड़ो इस एग्जाम्पल को एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन। ओके सो इस एग्जाम्पल में जेकर आप जनरल फॉर्म में कंपेयर करिए अपनी ए ए की वैल्यू कितनी आएगी वन, बी की वैल्यू टू एंड सी की वैल्यू वन। ओके सो देखो आप इस इक्वेशन सॉल्व करा मान लो अपनी एक्स की वैल्यू आती है माइनस वन एंड वन, सो दोनों की आ रही है माइनस वन, दोनों वैल्यू की आ रही है माइनस वन। ओके सो जो दो वैल्यू आ रही है एक नूं अल्फा मनो एक नूं बीटा मनो। ओके सो दैन अपना वेरीफाई फॉर्मूला की है, वेरीफाई फॉर्मूला कि एक सम ऑफ जीरो एंड एक अपना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके सो सम ऑफ जीरो फॉर्मूला की है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके सो अल्फा एंड बीटा की है वो नंबर जो आप फाइंड किए हुए हैं बी डिवाइड बाय ए, बी आप नंबर जो जनरल इक्वेशन कंपेयर करके फाइंड किए हैं। ओके एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ओके सो दोनों फॉर्मूले एज अ पेपर विच वन मार्क्स विच आ सकते हैं, क्योंकि ये अपना की है वेरीफाई रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके
सो ये सी अपनी इक्वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी फॉर्म बारे गल की है। हुण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं ग्राफिकली रीप्रजेंट करने बारे गल करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीप्रजेंट ऑन ग्राफ ग्राफिकली। ओके सो देखो कि अपनी जी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो जनरल फॉर्म की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके सो ये बारे तुम बहुत डिटेल ना भी जानते हो एक गल समझो कि जो ग्राफ अपना लीनियर इक्वेशन ग्राफ के उपर सॉल्व किया वो हमेशा की बनी है स्ट्रेट लाइन। ओके उस तरह ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ग्राफ के उपर रीप्रजेंट करिए इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीप्रजेंट इफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीप्रजेंट ऑन ग्राफ देन इट ऑलवेज मेक अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। ओके सो आ लाइन थोड़ी कम दी है कि मतलब पैराबोला की ना कुछ इस तरह शेप होंगी इस तरह की ये होंगी अपवर्ड ये होंगी है डाउनवर्ड। ओके सो जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो ये जो नंबर ऑफ जीरो ना ये हमेशा की अपने ग्राफ दे की है ग्राफ के उपर की है इस तरह शेप बनाऊंगी। ओके इस तरह की शेप सो इस तरह शेप हमेशा की होंगी है पैराबोला होंगी है। ओके सो जो नंबर ऑफ जीरो ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे वो हमेशा की बनाएंगे पैराबोला की है मेन तुम्हें पैराबोला याद रखना है। सो पैराबोला तो बाद ज्यादा डाउनवर्ड बनेगा या फिर अपवर्ड बनेगा। ओके सो हम अपवर्ड पैराबोला कदों बनेगा ये बारे गल करते हैं आप। अपवर्ड पैराबोला उदों बनेगा जो अपना ए की अपना ग्रेटर दैन जीरो होया। ओके तो डाउनवर्ड पैराबोला कदों बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला कदों बनेगा जो ए अपना की है लैस दैन जीरो होया। ओके सो हम आप एग्जैम्पल भी एक सॉल्व कर लेने शायद तुम एग्जैम्पल ना ज़्यादा क्लीयर हो जाए। कोई भी एग्जैम्पल लेने पा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ओके ठीक है तो इतने पर ग्राफ ड्रा करा इसे एक्स डैश सॉरी इतने एक्स आएगा पॉजिटिव एक्स डैश वाई वाई डैश एंड ओरिजन। सो हम इस फंक्शन आप टेबल बनाने वैल्यू का कि एक्स की वैल्यू एक्स एंड वाई माइनस टू पुट करा तो वाई की वैल्यू अपनी हैगी फाइव एक्स माइनस वन पुट करा वाई की वैल्यू हैगी टू एक्स जीरो पुट करा वाई हैगा वन एंड एक्स वन पुट करा तो वाई टू आएगा टू पुट करा वाई फाइव आएगा। सोने पॉइंटा की आप कलैक्शन कर ली ठीक है यो पॉइंट है जोड़े कि है इस कंडीशन सैटिस्फाई करेंगे। ओके सो इन पॉइंट में आप जीरो ऑफ पॉलीनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है सो देखो किमें करना अगे ग्राफ है सो फस्ट पॉइंट अपना एक्स की है माइनस टू वाई की है फाइव माइनस टू इतने फाइव है कुछ इस तरह ठीक है माइनस टू फाइव फिर माइनस वन टू एक्स माइनस वन है वाई टू है इतने जा जाएगा फिर एक्स जीरो वाई वन इतने जा जाएगा फिर एक्स वन वाई टू इतने जा जाएगा एंड एक्स टू वाई फाइव इसमें इतने लेट कर लो। ठीक है फिर इन्हें पॉइंट ज्वाइन करो। ओके सो देखो ये शेप की बन गई पैराबोला की सो पैराबोला उपर जा रहा है। ठीक है सो ये क्यों अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड क्यों होगा क्योंकि अपना जो ए है ना ए वाला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये की है पॉजिटिव है। ओके सो हम ये अपनी एग्जाम्पल टॉपिक से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रीप्रेजेंट ऑन द ग्राफिकली। सो हम थोड़ी एक टॉपिक हो रहा है क्यूबिक पॉलीनोमियल वो बारे भी आप गल कर रहे हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल की होंगे अपना कि जिस वेरिएबल की पावर की है थ्री होवे। ओके हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
थ्री। ओके सो ये जनरल फॉर्म की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ओके सो इसी तरह ही देखो कि जो तो अपना एक्स स्क्वेयर माइनस फोर वाली एग्जाम्पल सॉल्व की थी उदो अपनी एक्स की वैल्यू कितनी है टू आई है। जो अपना एग्जाम्पल की थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इक्वल टू जीरो सो उदो अपन एक्स की दो वैल्यू आंसर मिली हैं, एक्स की दो वैल्यू आंसर मिली हैं। ठीक है इसी तरह ही जदों भी अपना क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करा तो अपन एक्स हमेशा तीन आंसर मिलेंगे जो ई एफ जी कोई भी हमेशा तीन आंसर मिलेंगे। ओके सो फिर यदा एक वेरीफाई फॉर्मूला यदा भी है वेरीफाई का जिमें कि वेरीफाई रिलेशन अपना वेरीफाई रिलेशन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उस तरह है वेरीफाई रिलेशन क्यूबिक का। ओके सो ये तीन आंसर आप फाइंड किए इन एक अल्फा मनो एक बीटा मनो एक गामा इस गामा। ओके सो देखो वेर की अपना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके सैकेंड फॉर्मूला की है अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। देन लास्ट फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ओके सो ये अपना की है वेरीफाई द फॉर्मूला। ओके सो हम देखो एक बेसिक कंसैप्ट है जो आप कर लगे हैं कि देखो जो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी, या फिर पॉलीनोमियल कह लो उदो आप सिर्फ एक्स की एक वैल्यू ही मिली थी। ठीक है जो की आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व उदो आप एक्स दिन दो वैल्यू आंसर मिली दो वैल्यू आंसर मिली थी। ठीक है जो की क्यूबिक उदो आप एक्स दिन तीन वैल्यू आंसर मिल गई। ओके सो ये अपन एक वन मार्क्स का क्वेश्चन क्लीयर हूँ कि किसी भी पॉलीनोमियल दे किसी भी पॉलीनोमियल दे नंबर ऑफ जीरो पॉलीनोमियल दे नंबर ऑफ जीरो आर नंबर ऑफ जीरो आर डिपेंड ऑन इज पावर पावर कह लो चाहे डिग्री कह लो। ओके कि मतलब देखो की है कि किसी भी पॉलीनोमियल दी जिनी डिग्री होएगी ना उन्ने ही वो नंबर ऑफ जीरो आएंगे। ओके जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो वो पावर टू थी ना तो वो आंसर भी अपने टू आएंगे। तो जिन्हें कि देखो एग्जाम्पल ए सी कि ए दी पावर टू थी ना सो ये आंसर ही टू आए प्लस टू और माइनस टू। ओके सो ये की अपनी एक वन मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सो देखिए आप एग्जाम्पल लें कि हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरो एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी थ्री ऑप्शन डी फोर। सो यदा आंसर है ऑप्शन सी थ्री थ्री क्यों क्योंकि ये हाइस्ट पावर कितनी है थ्री है सो जिनी पावर होगी उन्नी ही नंबर ऑफ जीरो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके सो इस अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर सैकेंड क्लास टेंथ चैप्टर ने पॉलीनोमियल।